एलईडी स्ट्रिप की जरूरत पड़ेगी, देख सकते हो, जो हमारे घर में यूज में आती है दिवाली के टाइम पर, जो मतलब डेकोरेटिव आइटम में भी यूज में ले सकते हैं हम। और इसके साथ के ड्राइवर की जो उसमें लगता है, एक ओल्ड खराब सेलेस बल्ब की कैप, जो हमारे घर में एलईडी लगी हुई आती है उसके ऊपर जो कैप आती है, आप खराब बल्ब की यूज में ले सकते हो, आप छोटी भी यूज में ले सकते हो, मेरे को बड़ी की जरूरत है इसलिए मैं बड़े यूज में ले रहा हूँ। एक एमबीए बोर्ड, अब हमें जो आरजीबी ड्राइवर आता है हमें इसका जैक हटाना पड़ेगा, ये आप देख सकते हो, जो हमें इसका जैक हटाने की जरूरत पड़ेगी। ये इसका पॉजिटिव है, ये वाला सिरा, ये वाला सिरा था नेगेटिव है, इसका सिरा अब हमने हटा लिया है। और अब हमें ये जो वायर है सीधा हमें आरजीबी स्ट्रिप से कनेक्ट करने होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट करने हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ब्लू रेड ग्रीन और पॉजिटिव का वायर है, वो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे भी प्लस दिखाई दे रहा है, आपको उसी में वायरिंग करनी जैसे पहले करनी थी। और इसके बाद आपको यहाँ पे दो वायर सोल्ड करने हैं और इस डीसी जैक में जोड़ने हैं, मैं आपको जोड़ कर दिखाता हूँ। अब जैसा आपको दिख रहा है, मैंने पहले जैसी वायरिंग कर दी है, बस मैंने उसका कनेक्टर हटाया, कनेक्टर के वायर जोड़ दिए, तो यहाँ पे जो क्लिप आती है मैंने क्लिप हटाई, जो उसके कनेक्टर आते हैं वैसे सीधे वायर जोड़ दी। अब हमें इसमें टैप करके इसे बल्ब के अंदर डालना है, कुछ इस तरीके से मैंने टैप कर दिए, एक इस नुक्कर पे और एक इस सिरे पर। अब हमें इसे बल्ब में फिट करना है और अब हमें जो लाइट है हमें इसमें भरनी है, लेकिन उससे पहले जो उसका IR सेंसर है वो हमें इस जगह अटैच करना है, बिल्कुल बीचों बीच इस जगह, तो मैं इसे टेप की मदद से लगाने की कोशिश करता हूँ। जैसा आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है, इसकी जो IR सेंसर है, हमें इसमें LEDs को भरना है कुछ इस तरीके के बाद, अब हमें इसे फिक्स करना है। इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं, ये इसकी पावर सप्लाई, यहाँ पे RGB ड्राइवर का 12 वोल्ट का जैक लगेगा। अब मैं इसे आपको चेक करके दिखाता हूँ, मैंने इसकी मुझे डबल टेप लगा दी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ उसे। अब मैंने इसे चिपका लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने इसे डबल टेप के साथ चिपका दिया है। अब हमें इसकी रिमोट के लिए अब हमें एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं इसे ऑन करूँगा तो ये इस तरीके से ऑन होगा, अब मैं इसे कंट्रोल करके दिखाता हूँ। अब हमें वाली ऐप डाउनलोड करनी है, देख सकते हो इसके 1.3 MB की ऐप है, 1 मिलियन का डाउनलोड कर, हमें ये ऐप डाउनलोड करनी है। और सेटिंग में जाने के बाद आपको इसे LED लाइट स्ट्रिप पर सेलेक्ट करना है, LED लाइट स्ट्रिप में सेलेक्ट करने के बाद पीछे आ जाना है, मैं इसे कंट्रोल कर जाता हूँ। मैंने रेड दबाया, रेड हो गई, ग्रीन दबाया, ग्रीन हो गई, आप चाहे तो इसे उसे धीरे और तेज भी कर सकते हैं, देख सकते हो आप इस रोशनी में भी आप चेंज होती दिखेगी, बिल्कुल कम हो गई, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, वाइड भी यूज भी ले सकते हैं। तो आप मैंने इसे डबल टेस्ट चुपकाया, आप इसे रूफ के ऊपर भी चुपका सकते हैं, देख सकते हैं आप, पूरी LED घर के सामान से बनी है, आप देख सकते हैं। रेड ग्रीन ब्लू सारी फ्लैश,
ये बात तो हमारे घर के सामने से ही बनी है।